स्टार लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नए चेहरे के साथ। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ अचीव किया है, यहाँ तक कि उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अब तो आप पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रेम सिंह देहाती जी की। आज हम इनके जीवन के कुछ एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ बांटते हैं। स्वागत है आपका हमारे शो में। जय राम जी की। जय राम जी की। सर सबसे पहले हम आपके चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं, वास्तविकता में आप क्या हैं? मैं वास्तविकता में छोटा सा कलाकार हूँ। छोटे से तो नहीं सर, बहुत बड़े कलाकार हैं। बस उम्र बड़ी है, बाकी कलाकार आपके सामने हैं। उस माँ भवानी की गुरु की कृपा रही है, गाँव में पैदा हुए और फिर ये लाइन मिल गई। लाइन भी ऐसे मिल गई कि बचपन से ही मैं स्कूल टाइम से ही गाता था, लोगों को अच्छा लगता था। गाने का शौक आपको बचपन से ही था? बचपन से ही मुझे शौक था और कुछ विरासत में भी मिला। विरासत में ऐसे कि मिला है, थोड़ा बहुत माहौल घर में था। हमारे फादर और चाचा जी मेरे और मेरे ताऊ जी सब लोग थोड़ा बहुत गाते थे, तो मुझे भी शौक था। एक पास में जो थे महाशय जी थे, फूलचंद महाशय फूल थे हमारे पड़ोस में, वो गाते बजाते थे, भजन वजन करते थे, तो लोग मुझे बुला लेते थे। और जो शनिवार के दिन स्कूल के अंदर बाल सभा होते थे, उसमें अक्सर मुझे मास्टर भी गांव के लोग भी बुलाते थे, तो मैं वहाँ एक गीत गाता था भाई, वो गरबारा बाट जड़े बासाकड़ यारी का, अचरा दाओ ढक दे कफूड नारी का। तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। गांव के लोग मुझे मान सम्मान भी देते थे, रुपया पैसा खूब देते थे, माँ बाप खुश हो जाते थे। चलते चलते फिर हमने एक गांव में टोली बनाई, जो मतलब अपने हरियाणा के फोक साज हैं, जैसे गढ़वा बंजू की एक पार्टी बनाई। हमारे साथी थे, मुख्तारी थे, रामचंद्र थे, उनके साथ हम गाते बजाते थे आसपास। मतलब टोली बना के सब, टोली बना के हमने जो है अपने गांव के, गांव के मेले में, हाँ गांव के मेले में, आसपास के मेले में, आसपास के गांव में। अच्छा, किस्मत ऐसी हुई कि एक दिन मेडिकल में जलसा था और उसमें मिनिस्टर ने आना था, सॉरी राजेंद्र सिंह मलिक थे उस टाइम में खाद्य आपूर्ति मंत्री। तो ये मेडिकल कॉलेज में जो है वो फंक्शन था, मैं अपने चाचा जी के साथ चला गया। वैसे ही क्योंकि मेरे चाचा जी पब्लिक रिलेशन में ढोलक बजाते थे उस टाइम, उनका धन सिंह नाम था। वो मुझे कहने लगे भाई तू, मैं बोले वहाँ चाचा जी मुझे ले चलो, एक बार तो मना किया। फिर मेरी चाची करने लगे, हाँ मैं कहने लगा मगर मैं तो नहीं जाता। फिर मेरी वो चाची ने कहा अगर ले जाए इसने, मैं वहाँ गया। जाते ही मुझे कुछ लोग वहाँ के जानते थे, कहने लगे भाई ये लड़का तो बहुत अच्छा गाने वाला, इसका गाना सुनवाओ। तो जी ज्योति पे फोकस हटके सारा आपके ऊपर आ गया होगा। हाँ बस वो ऐसा हुआ, मैंने वहाँ गाया। जिला प्रशासन था, पत्रकार थे, एन माथुर डीसी थे उस टाइम, प्रेम प्रशांत अंडर ट्रेनिंग आईएएस थे, सुभाष नरुला डीपीआरओ थे। वो कहने लगे भाई इसको नौकरी लगाओ सिंगिंग। हाँ एक पब्लिक रिलेशन में एक्टर की जगह खाली थी, तो मैं वहाँ
मुझे संयोग वश आए थे आप सिंगर बनने और बन गए एक्टर। एक्टर भी और सिंगिंग भी सारा काम होता था उसमें। और 1973 में मैंने बोर्ड किया तो गुड़गांव मेरी अपॉइंटमेंट। तो उस दौर में आपका पढ़ाई कैसे रही? पढ़ाई मेरी नाए के समान रही ज्योति जी। मैं 8वीं तक पढ़ा और फिर इसमें उसमें पढ़ाई वढ़ाई का कोई बंधन नहीं था। कलाकार होना चाहिए तो उसकी अचीवमेंट बढ़िया होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए और हिंदी का ज्ञान हो। जो मैं एक्टर लग गया था जी, उसके बाद ना बस किस्मत ने परमात्मा ने ऐसा साथ दिया कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बस 1975 में फिर हरियाणा की एक राई में वर्कशॉप हुई जिसमें तमाम हरियाणा के कलाकार इकट्ठे हुए, सांगी भजनी जितने भी गायक थे, फोक गाने वाले, लोक संगीत के जानने वाले। और लक्ष्मीचंद पंडित लक्ष्मीचंद को उस टाइम कवि सूर्य माना गया और दनपत सिंह का एक जैनी चोर सांग, दो की प्रोडक्शन करी मिस्टर हबीब तनवीर थे जो दुनिया भर के जाने माने जो है फोक थिएटर के जाने माने थे। आप लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा, कभी पढ़ा भी होगा जी। उसमें हमने काम किया और इतने सारे लोगों में हम कुछ चुनिंदा कलाकार छांटे गए थे जिसमें मैं था। उस टाइम पे सर परिवार वालों का क्या रिएक्शन था आपका? परिवार वाले बड़े, परिवार वालों ने मुझे बड़ा कोऑपरेट किया। मेरी बीवी ने, मेरी माँ ने, उस टाइम पे शादी हो चुकी थी आपकी? शादी मेरी 1970 में ही हो गई थी, मतलब बाल्यकाल में ही हो गई थी। 15 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। बस फिर ऐसा था ना, शादी के बाद फिर गोना होता था, 2 साल के बाद वो हमारे घर में आई। तो मतलब वो 17 साल की उम्र में आपके घर आई और 17 साल की उम्र से ही आपने करियर में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आगे बढ़ना शुरू, काफी लकी साबित हुई। बिल्कुल 1975 में मैं जो है अभी तनवीर के ग्रुप में काम किया, वर्कशॉप में काम किया, हरियाणा के लिए काम किया। और 1978 में एक स्टेट का एक ग्रुप बना चंडीगढ़ में, लोग इकट्ठे करे गए भाई ये जो है एक कल्चर की टीम बना दो जो अदर स्टेट और बाहर जो भी प्रोग्राम होंगे कल्चर एक्सचेंज के द्वारा। तो मैं मिजोरम गया, सिक्किम गया, महाराष्ट्र गया और कितनी जगह पूरे इंडिया में, जम्मू कश्मीर में गया। अच्छा लक्की बात ये रही कि मैं रेडियो पे 1973 में ऑल इंडिया रेडियो से पास हो गया। अच्छा आपने रेडियो में भी काम किया? रेडियो में मैं सिंगर हूँ आज भी। अच्छा आज भी मैं रेडियो पे गाता हूँ और मैं ए ग्रेड कलाकार हूँ आकाशवाणी का। सबसे पहला कलाकार रोहतक में मैं हुआ 2007 में मैंने ए ग्रेड किया। 1985 में मैंने बी हाई किया और मैं 1973-74 दिल्ली में बी ग्रेड से पास हुआ। उसके बाद कृषि दर्श में मैंने प्रोग्राम दिया जब टेलीविजन थे ही नहीं गाँव में। तो मैंने जब गांव में गाया तो ये देहाती जो मेरा तखल्लुस है ये और दूरदर्शन की देन है। अच्छा। आप ये पूछना चाहेंगे आप प्रेम सिंह देहाती क्यों लगाते हो, देहाती तो सभी हैं। 19 कलाकारों की टीम थी और तो उसमें हम 2 कलाकार पास हुए। तो एक एससी बॉस थे मुझे याद है, वो कहते हैं कि आपका क्या नाम है, वो दूसरे साथी से कहने लगे और कहने लगे साहब मेरा नाम है असगर हुसैन मेवाती मेवाती। हाँ फिर मेरे से पूछने लगे आप बताओ आपका क्या नाम है। तो मैंने काफिया मिला, मैं कहा लिख दो प्रेम सिंह देहाती। और वो मेरा टेलीविजन पे प्रसारण हुआ और गांव के एक आदमी चौधरी साहब थे हमारे जो उसके ही घर में टेलीविजन था उस टाइम, उसने मेरा प्रोग्राम देखा, मुझे पहचाना और गाँव में मुझे घर से बुला के उन्होंने मेरे को शाबाशी दी और इनाम दिया। इनाम में क्या मिला सर? इनाम में 100 रुपए दिए उसने मुझे उस टाइम में। उस टाइम पे तो 100 रुपए बहुत महत्व रखते हैं। और अपने घर पे बैठा गया, 100 रुपए बैठा गया, दूध पिलाया, वाह बेटे मेरे को बड़ी शाबाशी, नाम रोशन कर दिया गांव का। अच्छा बस ऐसे ही ये बढ़िया रहा जी। उसके बाद फिर फिल्मी दौर शुरू हुआ। चंद्रावल में भी मैंने गाना था, उसमें मेरा रोल भी था, देवी शंकर प्रभाकर मुझसे बहुत प्रभावित थे। बदकिस्मती ये रही कि उस टाइम मुझे डेंगू हो गया 1982-83 में। अच्छा। और तो मैं उस चंद्रावल में काम नहीं कर पाया। फिर उसके बाद 1985 में
चंद्रो फिल्म बनी, जिसमें मैंने और हमारे गांव के यशवंत दत्त शर्मा थे, उसने दोनों ने हमने रोल किया। रोल क्या था कि भाई हम जो है वो मुजारे बने थे, जो हमारा हीरो जो था वो फौज में था। मतलब शुरुआत आपने एक्टिंग से ही की? एक्टिंग से, मैं एक्टर भर्ती हुआ था और फिर स्टेट की टीम में हुआ। 1982 में मैं चंडीगढ़ में ही रहा और उसके बाद मैंने देश विदेश में सारे के प्रोग्राम दिए और 1985 में फिर ये चंद्रो फिल्म में काम कराया और 1987-88 में मैंने जर जोरू और जमीन एक फिल्म बनी, उसमें गाना गाया। तो गाने की दो लाइन थी वो, भाग्यवश जो है रविंद्र जैन साहब के साथ मैंने गाना गाया। सर दो लाइन अभी हो जाए। सदा रही से सदा रहेगी झगड़े की जड़ तीन, जर जोरू और जमीन, जर जोरू और जमीन, जर की खातिर मानस उल्टे सीधे काम करे से रहे, डाका चोरी रिश्वत खोरी खुले आम करे से रे, जर की खातिर मानस उल्टे सीधे काम करे से रे, डाका चोरी रिश्वत खोरी खुले आम करे से रे, जर का ज्यादा होना भी ते नींद हराम करे से रे, जर के पाछे डिगता देख्या बड़े बड़ा का दीन, जर जोरू और जमीन। ये गाना गाया मैंने रविंद्र जैन साहब के साथ। बहुत अच्छा गाया। एक हीरो हीरोइन पे गाया जो दिलराज कौर के साथ गाया, हीरो और हीरोइन पे फिल्म आ गया। डसगी रे डसगी रे डसगी जुल्फ नाग सी, डसगी रे डसगी जुल्फ नाग सी, डसगी रे डसगी। फिर दिलराज जी ने कहा बसगी हो छोरे बसगी, भोली सूरत मन में बसगी, दशगी रहे। ये गाना दिलराज कौर के साथ, एक सविता साथी के साथ गाया। सविता साथी भी बम्बई की बड़ी फेमस कलाकार थी और जयंत प्रभाकर ने वो फिल्म बनाई थी जर जोरू और जमीन, उसमें इरे रे 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 प्यार गोल के ले आया सुमे हो, प्यार गोल के ले आया सुमे रंग के भरे गुब्बारे में, आजा होली खेलांगे के देखे खड़ी चुबारे में। ये गीत उसके सीता साथी के साथ गया। बहुत अच्छा सॉन्ग। उसके बाद मैंने एक जाटनी फिल्म बनी, देवीशंकर प्रभाकर ने बनाई, उसमें मैंने गाया एक पॉलिटिक्स पे गाना गाया, बल्कि वकीलों से सलाह ली मैंने, भाई मैं ये गाना गाऊं तो कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो एक ईश्वर सिंह बलारा एडवोकेट थे चंडीगढ़ के, वो कहने लगे तुम गाओ यार। हाँ मैं, जब सेंसर से निकल जाती है तो कोई सी कलाकार पे नहीं आती। बाड़ खेत ने खाण लगी और जन सेवक विषधर हो गए, घर की इज्जत मान आबरू लुटनिए लीडर हो गए, अरे लुटनिए लीडर हो गए। ये गाया जाटनी में। और अभी करंट परमात्मा की ऐसी देन हुई ज्योति कि मैं विशाल भारद्वाज जी ने बुलाया बम्बई में, उन्होंने यहाँ बहुत सारे कलाकारों को सुना। हमारे एक साथी हैं, वो कहने लगे जी कुछ ऐसे कलाकार हैं वो कहीं जाते नहीं, तो वो खुद मेरे पास आए विशाल भारद्वाज की टीम वाले, और कहने लगे जी आप सुनाओ। मैं जो है लोक गीत ही लोक संगीत ही गाता हूँ, तो मैंने उनको सुनाए तो उन्होंने ईमेल पे, ये आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है आपके बहुत सारा, तो उन्होंने सुनाया उनको, विशाल जी ने कहा कि इस कलाकार को बुला लो, और उन्होंने मुझे रिकॉर्ड दिया फिल्म में मैंने गाए अभी गाने, चुम 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 चली सर रे रे रे, कहने लगे भाई अरे रे रे रे, फटकार मार के काटगी वाना चुन गावन याली रे 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 रे। अभी ये गाना बजाया, एक चार दिना की चमक चांदनी कर ले जो करना, चार दिना की चमक चांदनी कर ले जो करना,
फिर बुढ़ापा होय 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 फिर बुढ़ापा बैरी आवे डंड पड़े भरना। एक वो गाया बादल उठारी सखी मेरे सासरे की ओढ़ पानी बरसेगा सिर तोड़ बादल उठारी सखी। ये गाया। एक और गाना गाया वो मतलब हरियाणा में जो है धमाल नाम से है, सदा भवानी दाहिने हो प्यारा गौरी पूत गणेश पांच देव रक्षा करे हो प्यारा ब्रह्मा विष्णु महेश। देश मेरा से हरा भरा हरियाणा सीधे साधे लोग अड़े के दूध दही का खाना बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। ये मतलब ये साल वारदास की फिल्म में। अच्छा और पूछिए आपने क्या पूछना है सर। आपका बचपन कैसा रहा था, जैसे कि आपने बताया कि 17 साल की उम्र में आपने। मेरा बचपन बहुत ही जैसा मैं अभी हूँ वैसा ही बचपन में था, बड़ा चटकीला बड़ा हसमुख और लोगों से मिलने जुलने वाला। सर शरारते तो फिर की होंगी आपने। शरारते कुछ ज्यादा नहीं करी, बस ये थी वही फिल्म देखने का शौक था। एक आधी वो थोड़ी मोड़े जो है घर से पैसे निकाल लेते थे या अच्छा सर कोई एक शरारत शेयर कीजिए जिसकी वजह से आपको घर पे मार पड़ी हो। शरारत ऐसी थी कि फिल्म देखने का बड़ा शौक था। अच्छा कुछ दोस्तों के साथ जो है रोजाना अब किसी की बारी होती थी, अगर भाई आज तन्ने खिलाना है, आज तन्ने फिल्म दिखानी है, आज तन्ने समोसे खिलाने। प्रताप सनीमा था हमारे, उसके पास जो है बड़े समोसे थे नागपाल के बड़े फेमस हुआ करते थे। तो मैं क्या करता, घर से अनाज वो तो कुछ खास चीज होती नहीं थी कुन्नस, अपना जो स्कूल का बस्ता था उसमें नीचे अनाज ऊपर किताबें, वो डालकर मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा था। तो एक पड़ोसन से हमारी उसने देख लिया भाई छोरा जो है नाज चोर के जा रहा है, क्योंकि उसको बेच के कई फिल्म विल्म देखते समोसे खाते। फिल्में बड़ी अच्छी थी, एक फूल दो माली उस जमाने की फिल्म थी, अनजाना वारिस हिम्मत ये जितेंद्र की और जो है राजेंद्र कुमार की ससुराल, ये कई फिल्में यहाँ लगी हुई थी। रोजाना हमने देखने का शौक था। तो उस दिन उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे घर ले गई तो माँ ने तो पड़ी होगी सर। मेरी माँ ने भी मुझे मारा, वो अनाज खोस लिया और फिर मैं बड़ी मुश्किल से पिंड छुटा के भाग गया, माँ मेरे पीछे और मैं आगे। सर उस दिन पड़ी मार या भाग गए आप? बस लगे तो दो चार, ऐसी बात नहीं है, पर मैं छुटा के भाग गया। ये शरारती जी कई बार गंडे पाट लेते थे खेता में, थे मतलब यहाँ पूरे खेत में से 20-30 गंडे पाड़े, 10 यहाँ पे है 10 यहाँ पे है। मॉडल टाउन में आते वो मुश्किल से 1 रुपये के लेते, फिर हम 90 पैसे की टिकट लेते। जब राज सिनेमा था रोहतक में, इसमें फिल्म देखते थे। ये शरारत कह लो इन चाहे कुछ कह लो जी। सर जैसा कि आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ना बस इंटरेस्ट इसलिए नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट इसी लाइन में था। मैं बहुत ज़्यादा होशियार भी नहीं था, अक्सर मुझे मार भी पड़ती थी स्कूल में भी। और मैंने फिर छोड़ दिया पढ़ना। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी, क्योंकि पैसा मुझे मिलता था जब मैं गाता था, आसपास के लोग जो है मुझे अच्छा मान के बच्चा इनाम देते थे। अच्छा फिर मैं अपनी माँ को भी दे देता, पिताजी को भी दे देता, खुश हो जाते अपने भाई। मतलब सर वो वाली बात है कि बचपन में कुछ नहीं किया और बड़े होके कमाल कर दिया।
बस ये कुदरत की बात है, भगवान की देन है, चाहे इसको लक कह लो चाहे स्ट्रगल कह लो, मलम में फिर चलता ही रहा और आज तक भी चल रहा। मुझे स्टेट अवार्ड मिला 2008 में और 2012 में मुझे फोक थिएटर के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड मिला संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से। ये मेरी अचीवमेंट है। अभी मैं जो है तलका और जो है कई चैनलों के लिए मैं गा रहा हूँ, अभी मैं स्टेज करता हूँ। आज भी मेरी अपनी एक पार्टी है GDP के नाम से, गरीब देहाती प्रोडक्शन फोक आर्ट, वो चलाता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ। सर, जैसा कि आपने कहा कि 17 साल की उम्र में आपने शुरू कर दिया था, तो तब से लेके अब तक का क्या एक्सपीरियंस? नहीं, मैंने शुरू तो आर्ट मतलब जैसे नाम लिखा गया तो पहले गीत ही मैंने वहां सुना, बचपन से ही मैं जो है गा रहा हूँ। 17 साल की उम्र में तो मैं नौकरी में ही आ गया था। तो सर, वहां से अभी तक एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने खुद जो है अपना जीवन जिया है और आगे बढ़ने की कोशिश की। जिसका भी जो मुझे सीखने को मिल गया वो ही मैंने सीखा। मेरे को महाशय दयाचंद से लेकर और शंकर दास तक की मुंह जुबानी रागनियां, भजन, गीत, गजल, ये नहीं कि हरियाणा हरियाणा की कमांड है, मतलब सब कुछ किया है। मैंने जो है जैसे यूपी का है, बिहार का है, भाई कोई भी मुझे गाना अच्छा लगा वो मैंने याद करा और गाया। सर, बिहार का कोई सॉन्ग हो जाए। अंगना भयल विदेश पिया बिन, अंगना भयल विदेश पिया बिन, सुनी रे नगरिया, सुनी रे नगरिया मोरी, सुनी रे डगरिया। काफी फेमस हुआ है सर ये सॉन्ग। तो मैंने बाहर जो, और आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सर? आगे मेरा यही है कि मैं जब तक मैं काम कर रही है शरीर, मैं कुछ फोक थिएटर करूं। सर, रिटायर होने का कोई प्लान नहीं है अभी? बस रिटायर तो भाई जब तक लोगों में चाहत है, लोग बुलाते रहते हैं। अब यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं, रोहतक MDU में बुलाते हैं, कई चैनल वाले बुलाते हैं, कला परिषद वाले बुलाते हैं, कल्चरल वाले बुलाते हैं, संगीत नाटक अकेडमी वाले प्रोग्राम दे देते हैं, तो क्या करना है बैठ के। सर, सिखाते भी हैं आप? मैं सिखाता भी, अगर कोई सीखना चाहे तो उसको सिखाता हूँ। फोक थिएटर करता हूँ, सांग जो हमारी एक विधा है उस पर काम करता हूँ, रागिनी गाता हूँ, सिखाता हूँ और काम करता रहता हूँ जैसा मुझे मिले ना। सर, आने वाली पीढ़ियों को तो आप सिखाते हैं, लेकिन आपने किससे सीखा है? मैंने बहुत आदमी आए मुझे बचपन में, मुझे कई सांगी लेने के लिए आए, बट मेरी किस्मत ये रही कि मैं परिवार ने जाने नहीं दिया, क्योंकि सांग को हमारे परिवार के लोग नकारते, भाई हमने पढ़ाना है, लेकिन मैं पढ़ा नहीं। अच्छा, फिर मैं जो है मेरे गुरु जो है मैंने धारण किए वो कृष्ण चंद नादान थे, ससाणे के INA के फ्रीडम फाइटर थे और वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, और इसके अपने हमने सुभाष चंद्र बोस की फौज के स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं बड़ा प्रभावित था उनसे, जैसे मैंने उनके कई रचनाएं जो है गाई हैं, कई चैनल पे भी गाई है। बुरी है इतनी जगत में कार, ऋषि मुनि सन्यासी योगी सुनो सकल नर नार, बुरी है इतनी जगत में कार, बुरी सोबत का संग बुरा, लोहे को है जंग बुरा, पड़ोस में मलंग बुरा, फूस में पतंग बुरा, देश अंदर जंग बुरा, छतरी का तरंग बुरा, गान के मां नंग बुरा, अत्याचारी किंग बुरा, त्रिया को लड़ाना बुरा, पुत्र को सराना बुरा, भाई को धमकाना बुरा, दोस्त को रुसाना बुरा, बिना बुलाए जाना बुरा, मूर्ख को समझाना बुरा, दुश्मन को बुलाना बुरा, भूख बिन खाना बुरा, क्योंकि हो जाता बीमार, बुरी है इतनी जगत में कार, फूट की बीमारी बुरी, ठगी चोरी जारी बुरी, नारे हकड़ यारी बुरी, नीच गले यारी बुरी, लव रिश्तेदारी बुरी, मैन मन कटारी बुरी, पानी बिना जारी बुरी, गुंडे की सरदारी बुरी, वैद बिन गाम बुरा, बद से बदनाम बुरा, भादवे का घाम बुरा, मूर्ख से कलाम बुरा, शरीर को आराम बुरा, धर्म बिन धाम बुरा, नौकर नमक आराम बुरा, और निंदाड़ा काम बुरा, सब लोग करें तकरार, बुरी है इतनी जगत में। इतनी लंबी लाइन याद कैसे हो गई आपको? बस ये एक परमात्मा ही देने, मुझे सवाल याद नहीं होते थे, मैथ गणित याद नहीं होता था, अंग्रेजी के अपनी
ये नहीं होती थी फॉर्म थॉर्म, बाकी ये रागिनी भजन गीत गाने मुझे मुझ जैसे मैं सुन लेता था, चाहे फिल्मी सॉन्ग होता था वो भी मुझे याद हो जाता था। और मैं विदेश में गया 94 में, और हरियाणा का पहली बार ही ग्रुप गया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। हम चार लड़के थे, छह लड़कियां थी और चार म्यूजिशियन थे, एक हमारे ऑफिशियल इंचार्ज थे। 15 आदमियों का पहली बार जो है गाना, बुर्किना फासो, मोरक्को, टूनिश और मिस्र, सैनिगल और इमारात। विदेश में किस जगह? विदेश में हम गए गाना, नॉर्थ पार्ट ऑफ अफ्रीका। अच्छा। गाना गए, बुर्किना फासो गए, 29 डेज बाहर गए और 14 हवाई जहाजों में उड़े और 20 परफॉर्मेंस करी। पहली बार हरियाणा ग्रुप गया था उसमें मैं 94 में, 22 अक्टूबर को हम यहाँ से गए थे और मेरे ख्याल में नवंबर में आए थे। आते ही गवर्नर हाउस में अपने चाय पी, हमारा बड़ा मान सम्मान हुआ और 20 परफॉर्मेंस करके आए थे। रागिनी जैसी चीज को मैंने टॉप बनाया, मैंने विदेशों में भी किया वहां पे रागिनी। हाँ, रागिनी मैंने गाई, रे गोरी मारे गाम की, मेरे साथ दो डांसर थे जो बच्चे मेरे साथ, मतलब मेरे साथी कलाकार थे, बहुत अच्छे कलाकार थे। गोरी मारे गाम की जब निर्भरण चली, ये बड़ी फेमस हुई मेरी रागिनी, मैंने स्टेजों पे बहुत गाया, दिल्ली में भी, IITF में भी और अपना सूरज कुंड के मेले में भी। तो बिजली सी पट्टी धरती दलक दलक खाली, रे 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 दलक दलक खाली, रे 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 दलक दलक खाली, रे गोरी मारे गाम की, जांजड़ देवरी नाड़े के दड़ाटे जे बूठे, तो भैंस तुड़ागी बेल बाछड़ू पड़ा गए खूटे, मरकन गाली जूती खास कराले की डाली, बिजली से पट्टी धरती दलक दलक खाली, रे 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 दलक दलक खाली, रे 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 दलक दलक खाली, रे गोरी मारे गाम की। ये वहां विदेशों में मैंने रागिनी गाई और 20 दिन के 20 दिन तालियां बजवाई। रोज वहां पे आप गाते थे? रोज जाना, परफॉर्मेंस मिनट टू मिनट में था, मेरी रागिनी थी वहां। उसके बाद हम नेशनल गीत गाते थे, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वहां भी फरमाश आती थी कि आप जो है मुकेश के गीत गाए, मुकेश के भी मैंने गाना गाया, किशोर का भी गाता था मैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, और मुकेश का वो गीत गाता था मैं वहां कई बार। जग मेरे जाएंगे प्यारे तेरे बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग मेरे जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। वहां हिंदी गीत की डिमांड जब आती तो वहां हम कई बार मैं माई मोनो एक्टिंग भी कर लेता था। अच्छी, तो एक्टिंग से तो शुरुआत ही की थी आपने? हाँ, शुरुआत की थी। और उसके बाद जो है ना, ये जैसे वेरिएशन, जैसे गीत नहीं होते, जैसे जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दे, तो इसको उसमें क्या बोलते हैं वो ध्यान नहीं मुझे, जादूगर सैया मैं छोड़ा मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने। अब भाई हरियाणा का तो आर्टिस्ट को किस तरह जगह को, जादूगर सैया रे छोड़ दे मेरी मैया रे, होगी आधी रात मने अड़े, होगी आधी रात मने घरा क्यों ना जान देता, रे 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 रे।
अगर फ्रेंच लोग जो अंग्रेज इसको कैसे गए, जादू कर सैया छोड़ो मोरी भैया, हो गई अधी रात अब घर जाने दे जाने दे जान, जादूगर सैया। अब यही गाना अगर पंजाब के लोग गाने लगे तो मैं इस किस्म के भी प्रोग्राम कर लेता था, मतलब हर तरीके का आप हर तरीके का को बना देते थे लोगों का मनोरंजन के लिए। हो वो जादूगर सैया छंड साड़ी भैया, जादूगर सैया छंड साड़ी भैया, हो गई अधी रात हुन घर जाने दे, मतलब एक तरीके से आप फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है। एंटरटेनमेंट करते थे, हमारा काम था जो हमें ले गए लोग इतने दूर हवाई जहाज में गवर्नमेंट का खर्च पे, तो जैसा अच्छा उसके बाद हमें डांस भी करता था, फगड़ा या रंग भरा रे लाला जेंट्स के जो थे तेरे जेठोर देवर फागण के गीतों में, अच्छा एक आध साज भी बजा लेता हूँ हारमोनियम अच्छा बजा लेता। सर और भी कोई खूबी है आपके अंदर? मतलब सर एक्टिंग आप करते हैं, सिंगिंग आप करते हैं, डांसिंग आप करते हैं, और बजा भी लेते हैं आप, बजाता हूँ हारमोनियम, और भी कुछ बैंजो भी बजा लेता हूँ, और सर कुछ और बस अपने कॉमेडी भी सर आप कर लेते हैं? थोड़ी बहुत कॉमेडी भी की है मैंने, और बड़े अच्छे नाटक किए मैंने गांव में, हमने गांव में पब्लिक रिलेशन लोक संपर्क विभाग की तरफ से हम जाते थे गांव में लोगों को हंसा, रामू और तेजू एक नाटक था हमारा बड़ा फेमस था 1979-80-81 में, हमने बड़े बड़े गांव में नाटक किया जिसका नाम था रामू और तेजू। एक भाईचारा शराबी में बनता था, ये रामू का रोल में करता था, मेरे साथी कलाकार जो मेरी उम्र के हैं वो तकरीबन परमात्मा ने प्यारे हो गए, कुछ मर गए। इतिहास के पृष्ठ बोलते हैं कि मेरे जिल्द के रहते हुए भी मेरे पन्ने जर्जर से जर्जर हो गए हैं, कुछ तो फट गए हैं, कुछ पुराने हो गए हैं, बाकी जो बचे हैं वो दूसरों से जुड़ गए हैं। इतिहास के पृष्ठ बोलते हैं कि मेरे जिल्द के रहते हुए भी मेरे पन्ने जर्जर से जर्जर हो गए। मैंने अपने आप को कविता भी कर लेते हैं आप, थोड़ी और खूबी जरूरत पड़े तो मैं लिख लेता हूँ। अगर जैसे आप हैं जी नारी के पुष्ट पयोधर दो, सुंदरता पे भी श्रृंगार पे भी मुझे थोड़ी थोड़ी बातें तकरीबन आती है, ये माँ भगवती के सरस्वती की और गुरु की कृपा है, ये आप जैसे लोगों का भी स्नेह रहा है, मुझे जो है बुलाते रहते हैं, इस उम्र में भी मैं काम कर रहा हूँ और अभी मेरी अभी और भी तमन्ना है करने की, काम करता सर बिल्कुल करेंगे आप, हम लोगों को भी तो सीखना है आपसे, ये बस सीखें मुस्कुरा कर स्वागत करता हूँ जो सीखना चाहें। बाकी ये है कि हरियाणा का जो फोक है ना लोक संगीत, मैं ब्रिज से लेकर मैं क्या गलत छुरी है बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, बाकी मैं पूरा हरियाणा का आपको म्यूजिक लोक संगीत सुना सकता हूँ ब्रिज से लेकर यहाँ तक, जिसमें अपना ट्रेडिशनल जो फोक है सोनी है बैरे तबील है झूलना है निहालदे है, ये चीजें मैं पुरानी से पुरानी में गा लेता हूँ, इसलिए मुझे लोग थोड़ा बहुत बुलाते भी हैं, भाई प्रेम गायत्री को बुला लो भाई। अच्छा दूसरी चीज ये कि नेचर वाइज भी मैं सात्विक हूँ बिल्कुल, अंडा मांस परमात्मा की देन है गुरु की कृपा है, मतलब प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन हूँ और दारू नहीं पीता हूँ और कोई खास नशा वसा नहीं करता हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, परमात्मा की दाश है 5-4 किलोमीटर का वॉक करता हूँ, अपने घर पे रहता हूँ, 2 बहुएं हैं 2 बेटी हैं 3 पोते हैं 2 पोती हैं 3 द्योती हैं 2 द्योते हैं, मतलब पारिवारिक हैं आप, पूरा पारिवारिक हूँ। अच्छा इसमें मैंने एक खास बात ये रखी है बेटे, आपको मैं बात बताऊँ ज्योति, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको बेटा कह रहा हूँ, नहीं नहीं सर बिल्कुल बोलिए,
मुझे थोड़ी सी आदत है कि मैंने जो है 1970 में मेरी शादी हुई तो बहुत सारे कलाकार अपनी लाइन से चले गए, मैं अपनी लाइन पे रहा माँ सरस्वती की कृपा से। पहले ही मैं बता देता था, कोई एलिमेंट से ऐसा जुड़ने की कोशिश करता, कोई खूबसूरत लड़की या डांसर जिंदगी में भी बहुत सारे आए, ऐसी बात नहीं है कि वही मैं बाकी मैं उनको सर, पर शादी तो आपकी 15 साल की उम्र में हो गई थी। 15 साल की उम्र में हो गई थी, मैं उनको बता देता था आई एम ऑलरेडी मैरिड। थोड़ी बहुत मुझे अंग्रेजी आती थी ना, 8वीं तक पढ़ा था, फिर मैंने 10वीं की, 10वीं मैंने डिपार्टमेंट में आगे की अपना नेशनल ओपन से, और एक हिंदी का जो रतन किया। अच्छा, पढ़ने का मुझे शौक रहा है, जब मैं खाली होता हूँ तो किताब जैसे किसी ने मुझे दे दी, भाई आप ये पढ़ के देखना, किताब जरूर पढ़ता हूँ, हिंदी की किताबें पढ़ता हूँ, सुनता सबको हूँ, अंग्रेजी के समाचार सुनता हूँ और नकल कर लेता हूँ अच्छी, जैसे कोई बोलने की कोशिश करे। जैसे मैं वहाँ विदेश में गया तो मैं अपनी जो है रागिनी के बारे में थोड़ा बहुत अंग्रेजी में बोल देता था, लोग हंस पड़ते थे। तो वही बातें से कॉमेडी करते थे आप। थोड़ी बहुत नकल नकल भी कर लेता हूँ थोड़ी सी, और फोक थिएटर में भी मैंने मतलब नकली भी रहा हूँ, और जो है मतलब नकल की भी बात करी है, कॉमेडी भी करी है। अच्छा, थोड़ा 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 एक्सपर्ट तो नहीं, पर ऐसी गुरु की कृपा रही है कि उसने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। 40 साल 4 महीने नौकरी करता है, इतनी लंबी नौकरी, इतनी लंबी नौकरी करी और पूरे देश में जो है परफॉर्मेंस करी, कन्याकुमारी से लेकर J&K तक। खूब फौज में भी मैंने प्रोग्राम दिए, दूरदर्शन पे भी मैंने दिए, कंसर्ट में रेडियो की मैं गया, उस गुरु की कृपा से अच्छे मंच मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छे साजंदे उस्ताद सब सिखाने वाले और साथ में बोलने वाले सब बहुत ही अच्छा रहा, उसकी कृपा है और आप सबका स्नेह है। मैं दर्शकों को फिर शुभकामनाओं के साथ और नमस्कार करता हूँ, जय राम जी की करता हूँ, जय राम जी की। तो ये थे प्रेम सिंह देहाती, जिनके जीवन के कुछ रोचक तथ्यों से आज हम रूबरू हुए हैं। अब अगले एपिसोड में एक नए स्टार के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए। डाउनलोड फ्री MP3 सॉन्ग्स, वीडियो सॉन्ग्स एंड वॉलपेपर्स फ्रॉम www.funjuice.in, द फन डेस्टिनेशन। लॉग ऑन नाउ www.youtube.com/funjuice फॉर ऑल। फन जूस एंटरटेनमेंट, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए।